आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तुम्हें गीतों में ढालूंगा, तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो। दोस्तों, आम तौर पर ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि कोई भी हीरोइन यानी एक्ट्रेस शादी के बाद अच्छी बीवी या अच्छी माँ कभी नहीं बन सकती। लेकिन आज जिस टॉप मोस्ट हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है और वो हैं बेहद हसीन और खूबसूरत ज़रीना वहाब। सजना था कंगना, ओ कंगना में हीरा, ओ सजना था कंगना, कंगना में हीरा, हीरा में खे के मरूं, एक बार के दुई बार के तीन बार के कई बार मरूं। ज़रीना वहाब से अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा? मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद देखिए। आपने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया है? जी हाँ। और आर्ट फिल्मों में भी? इन दोनों फिल्मों में काम करते वक्त आपने क्या फर्क महसूस किया? ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं जो हर फिल्म को आर्ट फिल्म कहते हैं, कमर्शियल फिल्म कहते हैं। जब हमारे पास आते हैं साइन करने के लिए तो कहते हैं, देखिए हम एक आर्ट फिल्म बना रहे हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से हर फिल्म आर्ट फिल्म होती है। वो जहाँ तक बॉक्स ऑफिस में कैसे सक्सेस होती है उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। और जैसे आर्ट फिल्मों के नाम से फिल्में बनाई जाती हैं लेकिन वो कमर्शियली कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जैसे चक्रा है, अर्धसत्य है, ये दोनों कमर्शियल फिल्मों से कई ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से आर्ट फिल्म कोई अलग बात है और या कमर्शियल फिल्म अलग बात है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं है? तो ज़रीना जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल आप हिंदी फिल्मों की बनिस्बत साउथ की फिल्मों में ज़्यादा बिजी हैं। जी हाँ। इसकी कोई ख़ास वजह? ज़्यादा बिजी तो नहीं हूँ लेकिन साल में मैं दो फिल्में करती हूँ और वहाँ पे काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। 15 दिन में एक फिल्म कम्प्लीट करते हैं और साल में मैं दो फिल्में करती हूँ और मुझे वहाँ काम करके बहुत अच्छा लगता है। हर एक आर्टिस्ट वहाँ पे काम पे इतना ध्यान देते हैं। 7 बजे आते हैं सेट पर और रात के 10 बजे तक नॉनस्टॉप हम काम करते हैं। कभी जैसे मैं शिकायत तो नहीं कर रही हूँ अपने यहाँ के आर्टिस्टों के बारे में, लेकिन सेट पे आते ही यहाँ के लोग कहते हैं कि कितने बजे हमको छोड़ रहे हैं आप जाने के लिए। वहाँ ये बात नहीं होती है, वहाँ के लोग काम को खुदा मानते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, और इसलिए वहाँ की फिल्में बहुत जल्दी बनती हैं और काफ़ी कामयाब भी रहती हैं। ज़रीना जी, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको मलयालम तो आती नहीं, फिर आपने इतनी अच्छी मलयालम बोल कैसे ली? आर्टिस्ट की कोई ज़बान नहीं होती तबस्सुम जी, मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट को हर ज़बान में काम करना चाहिए। जो आपकी एक्टिंग है आपकी आँखों में, आपके फेस पे होना चाहिए। सिर्फ ये तो बहाना है कि ज़बान हमको नहीं आती, हम काम नहीं कर सकते, लेकिन जो अलग अलग जबानों में काम करने के बाद जो मज़ा आता है ना। देखिए, अभी तक मैंने 4 जबानों में काम किया है, तेलुगू, मलयालम, तमिल और हिंदी जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। नहीं तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि जो जबान नहीं आती उसे इतनी सही तरीके से आपने बोल कैसे लिया? होमवर्क करती हूँ मैं। हाँ तो वही, क्या होमवर्क करती हूँ वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। एक दिन पहले पूरा स्क्रिप्ट मैं ले लेती हूँ और कल हम जो शूटिंग करने वाले हैं उसकी पूरी तरह से उस डायलॉग को याद कर लेती हूँ और पूरी तरह से उसका लहजा कैसे अपनाती हैं, डिक्शन। एक बात है, मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, कॉपी नहीं करती लेकिन ऑब्जर्व करती हूँ। कभी भी अगर वो किसी भी रोल में अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं उसको पूरी तरह से यूज़ करती हूँ। जब मैं केरला जाती हूँ शूटिंग के लिए जी, तो मैं वहाँ के लोगों को मैं काफ़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ कि उनके बात करने का तरीका कैसा है, उनका एक्सप्रेशन कैसा है, यू नो। तो इन बातों को जब मैं अपने काम में लाती हूँ तो बहुत नेचुरल लगता है स्क्रीन। अच्छा, लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप केरला की ही। अच्छा, ये डिक्शन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफी अरसे पहले मैंने ये देखा था कि एक गुजराती एक्टर ने एक बंगाली एक्टर ने गुजराती फिल्म में काम किया और वो गुजराती बोलते थे बंगाली डिक्शन। उनका एक डायलॉग था, देश न रहे तो कौन रहे।
तो वो कहते थे दिशन और रोशे तो कौन और रोशे। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि मलयालम लैंग्वेज बोलना आसान है लेकिन डिक्शन उसका लहजा अपनाना बड़ा मुश्किल जी है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो कह दिया आपसे मैं काफी होमवर्क करती हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ। लेकिन आपके ख्याल में क्या टैलेंट में ट्रेनिंग से और ज्यादा निखार आ जाता है? देखिए तबस्सुम आपा, टैलेंट एक पौधे जैसा है। कुछ पौधे हैं जो अपने आप बढ़ते हैं, कुछ पौधों को अगर माली का हाथ लग जाता है तो और निखर आ जाते हैं। तो इसी तरह एक्टिंग में भी अगर ट्रेनिंग मिल जाती है तो आर्टिस्ट को और भी उनके काम दिखाने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उनके काम में और निखार आ जाती है। अच्छा, आपने पूना में जो एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, जी हाँ, उसकी वजह से आपको काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ? बहुत फ़र्क महसूस हुआ मुझे। इंस्टीट्यूट जाने के बाद एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं काम कर सकती हूँ। अच्छा, यानी ट्रेनिंग जो है वो जज्बात में निखार पैदा कर देती है। बिल्कुल। 17 जुलाई 1959 में पैदा हुई थी ज़रीना वहाब विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में है। वहीं उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की और उसके बाद वो पूना चली गई और पूना में फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा हाथ में लिया और मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद उन्होंने मुलाकात की राज कपूर से, लेकिन राज कपूर ने उनको देखते ही कहा, मुझे आप में कोई ग्लैमर नज़र नहीं आता है। फिर भी ज़रीना वहाब ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद वो फौरन देवानंद से मिली और देवानंद ने उन्हें देखते ही अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया और उस फिल्म का नाम था इश्क इश्क इश्क। बदतमीजी हो गई हो तो माफी चाहता हूँ। और अगर बाई चांस मुसाफिर साहब का गाना सुनने की इच्छा जनता में फिर से जाग उठी हो तो आज की रात मुसाफिर साहब हमारे होटल के मेहमान हैं, ऊपर ठहरे हैं, पूजा तुम्हारी कमरे में। और इस फिल्म के बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया। ज़रीना वहाब ने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन की बड़े बड़े हीरोज के साथ, खास तौर पर अमोल पालेकर के साथ दो फिल्में साइन की, चिचोर और घरौंदा, और दोनों सुपरहिट थी। शहर में रात में या दोपहर में आप जाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। 1986 में ज़रीना वहाब ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनके पति का नाम है आदित्य पंचोली, बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है और वो हीरो भी थे। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आदित्य पंचोली ज़रीना वहाब से यानी अपनी बीवी से 6 बरस छोटे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी सना और बेटा सूरज। सूरज भी हीरो है और बहसियत हीरो उसे सबसे पहले ब्रेक दिया था सलमान खान ने और फिल्म का नाम था हीरो। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूं बता कि मैं हूं हीरो तेरा। ज़रीना वहाब के साथ मेरी बड़ी गहरी और बहुत पुरानी दोस्ती है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि फिल्म हीरोइन और एक्ट्रेस होने के बावजूद वो एक बहुत अच्छी बीवी हैं और बहुत अच्छी माँ हैं, और इसके अलावा वो कुक भी बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ेदार खाने पकाती हैं, ख़ास तौर पे बघारे बैंगन और हैदराबादी बिरयानी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।